Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. Hello everyone, welcome to my channel Vyanet Lifestyle. तो आज की इस ब्यूटी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर पर बना सकते हैं हर्बल कलर्स को. होली पर जो बाजार में कलर्स मिलते हैं वो आपकी स्किन को काफी नुकसान पहुंचाते हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही ऐसे होममेड हर्बल कलर्स बनाना सिखाऊंगी जो आपकी स्किन के लिए अच्छे होंगे. सो हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो. हर्बल रंगों से बनी रहे होली की मस्ती चारों तरफ होली मनाने के लिए युवा वर्ग रोमांचित है. बिना रंग के होली की कल्पना ही नहीं की जा सकती. लेकिन मुश्किल यह है कि इन रंगों में जो केमिकल पाए जाते हैं वे हमारी त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक होते हैं. हम आपको प्राकृतिक रंग बनाने की विधि बता रहे हैं जिससे आप आकर्षक और चटकीले रंग घर पर ही बना सकते हैं और होली का खूब मजा ले सकते हैं. नंबर वन, सूखे लाल चंदन को आप लाल गुलाब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सूखा लाल रंग का पाउडर होता है और त्वचा के लिए अच्छा होता है. नंबर टू, जासवंती के फूलों को सुखा कर उसका पाउडर बना ले और इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आटा मिला ले. सिंदूरिया के बीज लाल रंग के होते हैं. इनसे आप सूखा और गीला लाल रंग बना सकते हैं. नंबर थ्री, दो छोटे चम्मच लाल चंदन पाउडर को 5 लीटर पानी में डालकर उबालें. इसमें 20 लीटर पानी और डालें. अनार के छिलकों को पानी में उबालकर भी लाल रंग बनाया जा सकता है. नंबर फोर, बुरांस के फूलों को रात भर पानी में भिगोकर भी लाल रंग बनाया जा सकता है. लेकिन यह फूल सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है. नंबर फाइव, सूखे मेहंदी पाउडर को आप हरे रंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. सूखी लगाने पर इसे यूं ही हाथ से साफ किया जा सकता है. गीली मेहंदी से त्वचा पर रंग रह जाने का डर रहता है, इसलिए इसे बालों पर लगाने से ज्यादा फायदा होगा. इसे बेझिझक किसी के बालों पर भी लगा सकते हैं. नंबर सिक्स, गुलमोहर की पत्तियों को सुखा कर महीन पाउडर कर लें. इसे आप हरे रंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर सेवन, दो चम्मच मेहंदी को 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से हिलाएं. पालक, धनिया और पुदीने की पत्तियों का पेस्ट पानी में घोलकर गीला हरा रंग बनाया जा सकता है. नंबर एट, चुकंदर को पीस ले और इसे 1 लीटर पानी में भिगो दे. बहुत ही अच्छा गुलाबी रंग तैयार हो जाएगा. गहरे गुलाबी रंग के लिए इसे रात भर भिगोएं. नंबर नाइन, एक चुटकी चंदन पाउडर को 1 लीटर पानी में भिगो देने से नारंगी रंग बनता है. नंबर टेन, गेंदा और पीले सेनवती के फूलों से भी पीला रंग बनाया जा सकता है. फूलों की पंखुड़ियों को छांव में सुखाकर महीन पीस ले. इसमें बेसन मिला सकते हैं या सिर्फ ऐसे ही उपयोग कर सकते हैं. नंबर 11, एक चम्मच हल्दी को 2 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से मिला ले. गाढ़े पीले रंग के लिए आप इसे उबाल भी सकते हैं. 50 गेंदे के फूलों को 2 लीटर पानी में मिलाकर उबालें और रात भर भीगने दें. सुबह तक बहुत ही खूबसूरत पीला रंग तैयार हो जाएगा. नंबर 12, जामुन को बारीक पीस ले और पानी मिला ले. इससे बहुत ही सुंदर नीला रंग तैयार हो जाएगा. तो आज की इस ब्यूटी वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम घर पर ही बना सकते हैं हर्बल कलर्स को. तो आप भी इस होली के फेस्टिवल पर मार्केट के कलर्स के बजाय घर पर ही कलर बनाना तैयार कर लें. सो दिस मच इज फॉर टुडे. आई विल बी बैक विथ मोर ब्यूटी वीडियोस ऑन माय चैनल. आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें. टिल देन स्टे हैप्पी एंड एंजॉय दिस होली. बाय.